कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कमेंट के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से मुंबई पुलिस ने 12.5 घंटे पूछताछ की। अर्नब के मुताबिक मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में सोमवार सुबह 9:30 बजे सवाल जवाब शुरू हुए। यह सिलसिला रात करीब 10 बजे तक चला। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो संतों और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में अर्नब ने 16 अप्रैल को टीवी शो में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से कहा था कि अगर किसी पादरी की हत्या होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की रोम से आई हुई इटली वाली सोनिया गांधी बिल्कुल चुप न रहती। अर्नब ने कहा था कि सोनिया गांधी तो खुश है, वह इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो जहां पर मैंने सरकार बनाई है वहां पर हिंदू संतों को मरवा रही हूं। वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी, लोग कहेंगे कि वाह सोनिया गांधी ने अच्छा किया। इन लोगों को शर्मानी चाहिए, उन्हें क्या लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज प्रमोद कृष्णन को बता दिया जाना चाहिए कि क्या हिंदू चुप रहेंगे, पूरा भारत भी यही पूछ रहा है, बोलने का समय आ गया है। पुलिस की पूछताछ के बाद अर्नब ने कहा कि मैंने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा, पुलिस इससे संतुष्ट थी, तथ्य और सबूत पेश कर दिए गए हैं, हकीकत सामने आ जाएगी, हम पर कोई दबाव नहीं है, हम पालघर मॉब लिंचिंग मामले में और काम करेंगे, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल सही है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी मामले दर्ज किए गए हैं।